मौसम के बदलाव के साथ ही लोगों के किचन का बजट भी तेजी से बदल रहा है। देश भर में बाढ़ जैसी स्थिति और असमय बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर टमाटरों की कीमत में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है, जिससे घरों का बजट बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बाजारों में टमाटर की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। पिछले एक महीने में ही टमाटरों की कीमत में 20 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है, जहां एक समय रिटेल मार्केट में टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, अब उसके दाम लगभग 2 गुने हो चुके हैं। इस उछाल की मुख्य वजह है कई राज्यों में बारिश और गर्मी के कारण टमाटर की फसलों को हुए नुकसान और टमाटर की बुआई में कमी। मॉनसून के दौरान अक्सर सब्जियों की कीमतों में वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि बारिश के कारण कटाई, पैकेजिंग और सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। पिछले साल भी भारी बारिश के कारण टमाटर की कीमतें 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इस साल भी स्थिति कुछ अलग नहीं है और लोग अपने किचन के बजट को लेकर परेशान हैं। टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। प्याज, आलू, हरी सब्जियां सबके दाम बढ़े हुए हैं। इसका सीधा असर आम आदमी के किचन के बजट पर पड़ रहा है। लोग मजबूरी में कम मात्रा में सब्जियां खरीद रहे हैं और इससे उनके खाने की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। टमाटरों की बढ़ती कीमत पर उपभोक्ताओं की नाराजगी साफ झलकती है। एक उपभोक्ता ने बताया कि पहले जहां वे हर हफ्ते 5 किलो टमाटर खरीदते थे, अब मुश्किल से 2 किलो ही खरीद पा रहे हैं। टमाटर के दाम बढ़ने से न केवल सलाद और सब्जियों में इसका उपयोग कम हो गया है, बल्कि कई लोग इसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए बक्सर से संजय कुमार की रिपोर्ट।